वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सवाल बड़ा है कि कैसे प्लान के में मार खाने के बाद प्लान जे पर काम कर रहे हैं आतंकी। प्लान के मतलब कश्मीर, वहां पर उनकी नहीं चली तो प्लान जे यानी कि जम्मू की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले खबर आज की बताती हूँ। खबर ये आती है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमला होता है और दोनों ही तरफ से, एक तरफ सुरक्षाकर्मी, एक तरफ आतंकी मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी, सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद लगातार ये खोजा जा रहा है कि आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ से छिप छिप कर वार कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, जम्मू में काफ़ी घने जंगल हैं, उन जंगलों में काफ़ी लंबे वक्त तक आतंकी छिपे रहते हैं, दुबके रहते हैं, किसी तरह की हलचल नहीं करते, पत्ता भी नहीं हिलने देते। लेकिन जब देखो तो उसी पत्तों के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं और क्या करते हैं, छुपके से बाहर निकलकर आसपास के लोगों को कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ लालच दे देते हैं और उनसे लोकल की जानकारी लेते हैं कि सुरक्षाकर्मी कहाँ पर हैं, कहाँ दबिश दे रहे हैं, कितनी बार आते हैं, कितनी बार राउंड लगाते हैं, कौन सा हथियार उनके पास है। इसके अलावा जब एक बारी में आ रहे हैं तो कितने साथी आते हैं, मतलब इस तरह की पूरी लोकल जानकारी लेने के बाद ये आतंकी उसके बाद हमला करते हैं। और अब बार बार ये मांग हो रही है हमारे देश में कि इस हमले के बाद, इस शहादत के बाद अब इंसाफ होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक से नीचे बात नहीं चलेगी। तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से भी बात की और बात करने के बाद एक मजबूत रणनीति बने, इसको लेकर मीटिंग की गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब लगातार जो बार बार हमले हो रहे हैं उस पर कैसे सेना ठोस रणनीति बनाकर क्या स्ट्राइक ही करेगी। एक स्ट्राइक ही मात्र अब हमारे पास चारा बचता है। लेकिन हाल के दिनों की अगर बात करें तो जम्मू क्षेत्र में कई बार आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाया है और ख़ास बात यह है कि कुछ दिनों में हुई आतंकी घटनाएँ ज़्यादातर जम्मू क्षेत्र में ही हो रही हैं। अलग अलग आतंकी संगठन इन घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर मार खाने के बाद अब आतंकी संगठन जम्मू क्षेत्र को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें, देखिए अगर साल 2023 की बात करें 2023, तो इसमें 43 घटनाएं कश्मीर से अलग अलग जम्मू में हो चुकी हैं और आतंकी घटनाओं में 3 साल में करीब करीब 43 जवान शहीद हो चुके हैं और 3 ही साल में 23 नागरिक भी मारे जा चुके हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनको सॉफ्ट टारगेट के तहत ये आतंकी अपने निशाने पर ले रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। कब से ये शुरुआत हुई हम आपको पूरी सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन भी बताएंगे। लेकिन देखिए 2021 की अगर बात करें तो इसमें एक साथ कई हमले हुए थे जिसके बाद ये अंदेशा लगने लगा था कि अब आतंकियों का जो टारगेट है वो जम्मू है, कश्मीर नहीं। कश्मीर में देखिए धारा 370 हटने के बाद सरकारी दावा कर रही थी कि आतंक मुक्त अब पूरा ये क्षेत्र हो चुका है, राज्य हो चुका है, लेकिन वहाँ पर वहीं से अब ये आतंकी निकल के जम्मू को अब नया ठिकाना बना रहे हैं। 11 अक्टूबर 2021 की अगर बात करें तो लंबे वक्त बाद पुंछ में आतंकी हमला होता है और सुरक्षा बलों के बीच जो है गोलीबारी होती है। इसमें 5 सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं। आप सोचिए एक एक जान बहुत कीमती है, लेकिन जो शहादतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ये वाकई बहुत दुखद है। 16 अक्टूबर को भट्टा दुरियंग के जंगलों में मुठभेड़ होती है और 6 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इसी साल आपको बता दें 30 अक्टूबर को राजौरी के नौशेरा में आतंकी घटना को अंजाम भी दिया जाता है। तो अगर 11 अगस्त 2022 से हम बात करें, वहाँ राजौरी के दरहाल में आतंकी हमला हुआ, 20 अप्रैल ले लीजिए, उसके बाद ऐसे करते 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 8 जुलाई 2024 तक हम लगातार देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से ये हमला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और 8 जुलाई 2024 को कठुआ में आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 8 जुलाई को फायरिंग की खबरें भी सामने आई। अब आप ये देख लीजिए, वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, आसानी से छिप जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब लेकिन आज एक तस्वीर और सामने आई थी जब सेना के जवान जो हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हीं जंगलों के ऊपर से पूरा एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट को अगर अंजाम देना है तो उसके लिए आपका जो सर्च ऑपरेशन से इनपुट आना है वो पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पता चले कहाँ छिपे हुए हैं। लेकिन उस हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इन घने जंगलों में आतंकियों ने अपना ठिकाना कहाँ कहाँ बना रखा है। अभी देखना होगा कि सरकार और सुरक्षाकर्मियों के बीच इस पूरे मामले पर क्या ठोस रणनीति बनती है और अगला कदम क्या उठाया जाता है, किस फॉर्मूले के तहत काम किया जाएगा ताकि ऑपरेशन ऑल आउट और इन आतंकियों के खात्मे का जो पूरा एक मिशन है उसमें सफलता मिले और ये शहादतों का आंकड़ा जो है न सिर्फ कम हो बल्कि जड़ से खत्म होना चाहिए। ये वीडियो आपको अगर अपने काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।